सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल मिश्रा जी टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल में। दोस्तों, इतिहास की जो सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सल्तनत युग की पृष्ठभूमि के बारे में बताने जा रहा हूँ। सल्तनत युग की पृष्ठभूमि के बारे में मतलब कि महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, तराइन का युद्ध, इन सब के बारे में। इसके बाद दोस्तों सल्तनत युग शुरू होगा। सल्तनत युग या जिसे हम दिल्ली सल्तनत भी कह सकते हैं, जिसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में डाली थी और सल्तनत काल का अंत पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी के हारने से हुआ था। उसके बाद से गुलाम वंश की नींव पड़ी थी, बाबर ने डाली थी। वो सब चीज़ें मैं आगे की वीडियो में बता दूंगा। आज चलिए चलते हैं पहले महमूद गजनवी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, गजनी नाम का अफगानिस्तान में एक छोटा सा राज्य हुआ करता था जो एक तुर्क सरदार ने 10वीं शताब्दी में स्थापित किया था। उसके उत्तराधिकारियों में एक महमूद नाम का शासक था। वह गजनी को एक बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था, लेकिन उसके पास न उतना धन था न उतनी बड़ी सेनाएँ थीं। इसीलिए उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई, क्योंकि उसने सुना था कि भारत के मंदिरों में बहुत ज़्यादा धन और सोना है। दोस्तों, भारत पर उसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में आरंभ किया और महज 25 वर्षों के अंदर देखते ही देखते उसने 17 बार आक्रमण कर दिया। 1010 और 1025 ईस्वी के बीच में महमूद ने उत्तर भारत के केवल उन नगरों पर आक्रमण किया जिनमें बहुत से मंदिर थे। दोस्तों, वह भारत के मंदिरों पर आक्रमण करता था, उन्हें नष्ट करता था और उनका सोना तथा बहुमूल्य रत्न लूट कर ले जाता था। दोस्तों, महमूद गजनवी के आक्रमणों में से पश्चिमी भारत के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण और विनाश का सबसे अधिक उल्लेख किया जाता है। मंदिरों को नष्ट करने से दोस्तों उसे एक और लाभ हुआ, उसने मंदिरों को तोड़वाया, इससे वह धार्मिक नेता भी बन गया था। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, शाहनामा नामक महाकाव्य का लेखक फिरदौसी उसी के संरक्षण में रहा करता था। उसी ने मध्य एशिया के प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी को भारत भेजा था। अलबरूनी भारत में कई वर्षों तक रहा और उसने भारत के संबंध में एक पुस्तक की रचना भी की है। दोस्तों, अब बात आती है मोहम्मद गोरी की। महमूद गजनवी के आक्रमणों का उद्देश्य केवल धन लूटना था, पर 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गोरी के आक्रमण हुए। वह भी अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का शासक था, पर उसकी इच्छा केवल लूट मार करने की नहीं थी, बल्कि वह उत्तर भारत को जीतकर अपने राज्य में मिलाना चाहता था। दोस्तों, मोहम्मद गोरी के अभियान बड़े ही व्यवस्थित हुआ करते थे। जब वह देश जीत लेता था तो वह अपनी अनुपस्थिति में देश की शासन की व्यवस्था को चलाने के लिए अपना एक जनरल, जिसे सेनापति भी कह सकते हैं, छोड़ जाता था। दोस्तों, मोहम्मद गोरी का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय पर हुआ। यह युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन में लड़ा गया, जिसे तराइन के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज से पराजित हो गया, लेकिन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ तथा मारा गया। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की हत्या का कारण राजपूतों की एकता का टूटना था। पृथ्वीराज चौहान ने कन्नौज के गढ़वाल वंशीय शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था, जिससे जयचंद और पृथ्वीराज का संबंध बिगड़ने लगे और राजपूतों की एकता प्रभावित हुई। दोस्तों, 1194 ईस्वी में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच चंदावर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में जयचंद पराजित हुआ और वह भी मारा गया। इस प्रकार तत्कालीन राजपूत राजाओं की शक्ति को समाप्त कर मोहम्मद गौरी ने अपने सल्तनत को उत्तर भारत में मजबूत कर लिया था। लेकिन दोस्तों, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी वापस अपने वतन जब लौट रहा था, तो उसी समय ऐसा कहा जाता है कि रास्ते में एक युवक ने उनकी हत्या कर दी थी। दोस्तों, मोहम्मद गौरी की कोई औलाद नहीं थी, अतः उसने अपने सबसे प्रिय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। 1206 ईस्वी में ही दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बना और दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की नींव पड़ी। अब दोस्तों, 1206 ईस्वी से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, जिसे सल्तनत काल भी कहा जाता है। यह 1526 ईस्वी तक चला था। अगली वीडियो दोस्तों गुलाम वंश की होगी। इससे पहले मैंने मौर्य वंश और गुप्त वंश की वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और कार्ड्स भी छोड़ दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपके सामने लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।